अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्विंस किचन बाय सबा। आज मैं सिखाऊंगी आपको जो केक Instagram पे बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसे कहते हैं ब्राउनी स्लैब केक या फिर शीट केक भी। इसमें आप ब्राउनी की जगह कोई भी फ्लेवर का केक भी लगा सकते हैं। ब्राउनी की कम्प्लीट रेसिपी और इसे फट से किस तरीके से डेकोरेट करेंगे वो सब मैं आज आपको डिटेल में सिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ये केक ईद के लिए बनाया था, लेकिन आप इसे किसी भी ओकेशन में बना सकते हैं। ये गिफ्ट देने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ब्राउनी केक इस्तेमाल करूंगी जो कि ब्राउनी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है और केक से थोड़ी सिमिलर होती है। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को छान के एक तरफ रख दूंगी। उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 3 टेबलस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल किया। मैंने इन सब इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट वेट में भी मेंशन कर दी है, अगर आप चाहें तो वेट में भी इसे बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। कोको पाउडर के कभी कभी लम्स रह जाते हैं, उसे अच्छे से ख़त्म करके इसे विक्स से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ड्राई मिक्सचर को बनाना। उसमें मैंने 130 ग्राम शुगर ली है, 3 अंडे लिए हैं और इन्हें अब मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे जब तक ये डबल साइज में ना हो जाए और ये बिल्कुल पेल कलर का हो जाएगा और बहुत ही फ्लफी हो जाएगा। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक पिस्ट नहीं है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, आप इसे हैंड पिस्ट से भी बना सकते हैं। हाथ आपको थोड़ा तेजी तेजी से चलाना पड़ेगा, लेकिन ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब मिक्सचर इस तरीके का हो जाए तो इसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी। 40 ग्राम ऑयल किया है या फिर आप 3.5 टेबल स्पून ऑयल कह लें। एक दफ़ा फिर इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसमें हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट बना के रखे थे उसे डालना स्टार्ट करेंगे। अब मैं 1/2 पैड डाल रही हूँ और स्पैचुला की मदद से इसे फोल्डिंग मेथड से मिक्स करूँगी। देखिए आप आस्ता आस्ता से इसे मिक्स करेंगे। इस मेथड को हम कट एंड क्रॉस मेथड भी कहते हैं कि इसमें आप बॉल को घुमाते चले जाएंगे और बीच में एक कट लगा के इसे फोल्ड करते चले जाएंगे। अब मैं बाकी का मिक्सचर भी ऐड कर रही हूँ और उसी तरीके से इसे आस्ता आस्ता मिक्स करूँगी। जब तमाम ड्राई मिक्सचर मिक्स हो जाए तो अब इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तैयार है। याद रखें कि मैदा डालने के बाद आपने इसे कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना, स्पेशली ब्राउनी में। अब मैंने यहाँ पे 9x9 का पैन लिया है और इसमें मैं तमाम मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। मैंने प्री हीटेड ओवन में इसको 25 मिनट के लिए बेक होने रख दिया था। अब मैं इसकी फज तैयार करना स्टार्ट कर रही हूँ। फज बनाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप डार्क चॉकलेट ली है और उसमें 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ऐड की है और इसे माइक्रोवेव में 20 सेकंड के लिए इंटरवल से इसको मेल्ट कर दिया है। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सी फज बन गई है। अब इस फज को आप या फिर ओवरनाइट रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, या फिर आप फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए इसे रख दें तो ये हार्ड शक्ल में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मेरी फज तैयार हो गई है। अब मैं इसे विस्क करना स्टार्ट करूंगी। आप चाहें तो इसी तरीके से फज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी व्हिप्ड फज ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट में ये उतनी ही चॉकलेटी होती है। चलें फिर अब हम इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। केक मेरा बेक हो गया था, इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसे 10x10 की ट्रे में निकाल रही हूँ। मैंने पैन में बेकिंग पेपर लगाया हुआ था जिसकी वजह से केक बहुत ही आसानी से निकल गया था। अब मैं इसको लेवल करूंगी क्योंकि केक थोड़ा सा ऊपर से डोम शेप है, तो इसको हम कट करके लेवल कर देंगे। केक को लेवल करने के बाद मैं इसकी सारी साइड थोड़ी थोड़ी सी ट्रिम कर दूंगी। मैं ये केक ब्राउनी केक बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चॉकलेट स्पंज में या वनीला स्पंज में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इसको लेयरिंग दे सकते हैं। इस केक में मैं कोई लेयरिंग नहीं दे रही और अब मैं इसे शुगर सिरप से थोड़ा सा सोक कर रही हूँ। सोक करने के बाद हमने जो फज तैयार की थी वो इसके ऊपर की लेयर में लगाना स्टार्ट करेंगे। मैंने उसके लिए थोड़ी सी फज ली है और ऑफसेट स्पैचुला से मैं इसको आराम आराम से फैला रही हूँ। केक जब हम सोक कर लेते हैं और फज हमारी थोड़ी सी हार्ड होती है तो केक उतर के उसके क्रम्स फज में ऐड हो जाते हैं, तो इसके लिए आप या फिर फज को थोड़ा सा और रूम टेम्परेचर पे आने दें या फिर आप बहुत ही लाइट हैंड से इसको फैलाएं। फज को बिल्कुल फिनिशिंग देना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप जितना कर सकते हैं उतना करने के बाद इस पे ऊपर एक पैटर्न दे सकते हैं, किसी ब्रश से, किसी स्पून से या फिर स्पैचुला से ही पैटर्न दे सकते हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं। उससे पहले मैंने फर्ज को केक की साइड्स में भी लगा दिया है। अब आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से पैटर्न दे रही हूँ। हर चीज़ में फिनिशिंग देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आप पैटर्न से भी उसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा केक ऊपर से तैयार हो गया है। अब मैंने वही फर्ज एक पाइपिंग बैग में ले ली है और साथ में उसमें एम नोजल लगाई है, उससे मैं इसकी डेकोरेशन करूंगी। आप इसमें कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इसमें रैंडमली रोजेट बनाए हैं और रोजेट के साथ में मैं थोड़े से स्पाइरल बना रही हूँ इसी नोजल से। एक ही नोजल से आप इसे अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। सारी साइड्स में मैं यही स्पाइरल बना दूंगी। अब आप यहाँ पे अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मेरे जहन में सिर्फ इतना ही आ रहा था क्योंकि मैं ये जल्दी जल्दी में बना रही थी। स्पाइरल बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी ब्रेड बनाई है, सारी तरफ मैंने वही सेम स्टेप किया है। अब आप थोड़े थोड़े से डॉट्स लगा सकते हैं रैंडमली, जो कि बहुत खूबसूरत लगेंगे। फर्ज का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप इसे जैसे मर्जी और डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये छोटी वाली गोल्डन बॉल्स ली हैं और इसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। गोल्डन और फर्ज का शेड आपस में बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पास कुछ चॉकलेट की डेकोरेशन तैयार थी, वो भी मैंने इस पे अरेंज कर ली है। देख सकते हैं आप इस तरीके से, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी हो सकती है। इस स्टेप के बाद आपका केक तैयार है। लेकिन मेरे पास ईद मुबारक का एक टॉपर मौजूद था, जिसे मैंने सेंटर पर प्लेस कर दिया क्योंकि मैं इसे ईद के लिए बना रही थी। अब देख सकते हैं केक बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतना खूबसूरत केक तैयार कर लिया। ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा था, तो मेरा बहुत दिल था इसे बनाने का और आप सबको सिखाने का। अगर आपको कुछ और भी सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।